आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, एक नया चैप्टर हिंदी में चतुर्भुज, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। ये पार्ट वन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो अदर पब्लिशर्स, अदर ऑथर्स की जो बुक है पॉलिटेक्निक के लिए, उनमें ये चैप्टर नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन उन्होंने चैप्टरों में मिक्स कर रखा है, तो मिक्सअप कर रखा है। बट मैंने जो बुक आपको प्रोवाइड किया, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक, उसमें इसे अलग से चैप्टर रखा है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रेस्पेक्टिवली 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, चारों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का नहीं है तो। तो तीन एंगल हमारे पास गिवन है, चौथा एंगल निकालना है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दीजिए। तो इनको ऐड करेंगे तो ये टू, अगर इसमें ऐड होगा तो ये भी 100 हो जाएगा। तो ये 290, तो 360 में से 290 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा? 70 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में द एंगल्स ए बी सी एंड डी आर इन द रेशो, ए बी सी और डी का अनुपात कितना है? 1:2:3:4, देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो सबसे बड़ा कोण का माप बताना है। तो चारों एंगल का रेशो दे रखा है, तो अगर हम इसको एक्स के फॉर्म में, क्योंकि रेशो क्या होता है, किसी भी एंगल या किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट रूप, ठीक है, संक्षिप्त रूप बोल सकते हो आप। तो अगर इसको एक्स के फॉर्म में एज्यूम करें तो पहला एंगल एक्स होगा, दूसरा 2x, 3x और ये 4x। अब चारों का सम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इक्वल्स टू में 360। अब ये सब बिना पेन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। सर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10x=360। 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। आपसे पूछा है क्या लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो लार्जेस्ट 4x वाला होगा, तो 4 × 36 दैट मीन्स 144 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी लेवल से स्टार्ट किया इसीलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। इफ़ द लार्जर या लॉन्गर लॉन्गर साइड मेजर्स 6.5 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टर साइड, छोटी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर इसका मतलब चारों साइड का सम दे रखा है कितना? 22, चारों का सम 22 है। और लॉन्गर साइड का मेजर कितना है? 6.5, ये 6.5 तो ये भी 6.5, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। आपसे ये शॉर्टर साइड का पूछा हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा? 13। और चारों का सम कितना दे रखा है? 22, तो 22 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 9 जो होगा इन दोनों का सम होगा, लेकिन ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं, तो आप इसे 2 से और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अदरवाइज इसका पैरीमीटर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, 2l+b। जो रेक्टेंगल का होता है पैरीमीटर, वही होता है पैरेललोग्राम का भी पैरीमीटर। तो इसकी वैल्यू गिवन कितनी है? 22। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 11। एल की वैल्यू कितनी देखिए, लेंथ ये 6.5 प्लस ब्रेथ निकालना है बी, जिसे आप बोल सकते हैं, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? सेम यही 4.5। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में इफ एंगल ए इक्वल्स टू 3x-20, एंगल बी कितना है? y+15 और एंगल सी है x+40, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो ए किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। वैसे ही बी किसके इक्वल होगा? बी डी के बराबर होगा।
क्लियर है। तो हमारे पास ए और सी तो है, तो ए और सी बराबर होंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 3x माइनस 20 इक्वल्स टू में सी की वैल्यू क्या है, x प्लस 40, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, और माइनस का 20 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, ऑप्शन ए। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार गलत हो जाता है, कैसे कि हमने ए तो टिक तो कर दिया, लेकिन क्या पता नन ऑफ दीज हो, वाई की वैल्यू मैच ना कर रही हो, इसलिए वाई को भी सॉल्व करना, मैंने अभी टिक किया है, लेकिन हो सकता है क्या पता आंसर नन ऑफ दीज हो, इसलिए वाई ज़रूर सॉल्व कर लेना। ओके, अब एक्स देखो कितना आ गया, 30 डिग्री, एक्स 30 आया, तो या तो ए या सी किसी की वैल्यू निकाल लो। अब सी कितना था, सी हमारे पास एक्स प्लस 40 है, तो अगर इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे आप तो सी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, एंगल सी कितना आ गया, 70 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का, दो लगातार एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो एंगल डी या एंगल बी, आप इन दोनों का सम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल बी प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ये सब तो आप बिना पेन के कर सकते हो, एंगल बी 110 आ गया ये, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है कि बी कितना है, वाई प्लस 15, बी है वाई प्लस 15, बी ये बी कितना है, वाई प्लस 15, और वो बी आया कितना, 110, तो इसे सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 95 भी तो आएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ओके, क्लियर हुआ, तो ऐसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की वैल्यू किसी भी इसमें रख के, या तो ए वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर दो या सी वाले में, उसे या तो ए या सी निकालो, दोनों तो सेम ही होगा, उसके बाद दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है, तो उससे दूसरा एंगल निकल जाएगा, या ये निकाल लो, और उसके बाद फिर उसके बराबर में रख के सॉल्व कर दो, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव, क्वाड्रिलेटरल किसी भी चतुर्भुज के अपोजिट यानी सम्मुख भुजा में क्या होता है, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, दो होता है या चार होता है, कॉमन पॉइंट्स को उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो। जी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज यानी चार साइड है, किसी भी फिगर, कैसा भी फिगर हो सकता है। ओके, चार साइड वाला फिगर ए बी सी डी, अब इसमें अपोजिट साइड, जैसे ये साइड है इसके अपोजिट ये होगी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी पॉइंट कॉमन है, यहाँ का इसका पॉइंट ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, ये तो इस लाइन में और इस लाइन में तो कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, इस लाइन में या इस लाइन में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, नो कॉमन पॉइंट, क्लियर है। एक बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन के जब आते हैं तो आप कन्फ्यूज होते हैं, इस टाइप के अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपने पहले से ऑलरेडी 9th में पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव, तो जैसा भी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था वैसे ही फिर बना देते हैं किसी भी टाइप का, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार भुजाएं हैं, और बोला जा रहा है क्या, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार क्रमागत, जैसे इस साइड्स के साथ में ये, तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या हुआ, इसमें कॉमन पॉइंट हुआ डी, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन में दोनों में, जैसे मैं लिखूँ तो ए डी और डी सी, तो डी कॉमन आ रहा है, वैसे अगर इस लाइन में और इस लाइन की बात करें तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ सी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव में, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स में आपस में एक पॉइंट तो कॉमन होगा ही, जैसे इन दोनों में ये होगा, या इन दोनों में ये होगा, इन दोनों में ये होगा, ओके, वैसे इन दोनों में ये होगा, तो आंसर क्या होगा, वन कॉमन पॉइंट, क्लियर है, यानी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स में एक कॉमन पॉइंट तो जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, इनमें से कौन सा रोम्बस नहीं है, यानी इनमें से कौन सा चतुर्भुज है जो सम चतुर्भुज नहीं है, रोम्बस का मतलब सम चतुर्भुज, ओके, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली होंगी, मैंने इसके फॉर्मूले वाली जो PDF दी थी उसमें भी बहुत कुछ है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपने उससे पढ़ लिया होगा। जैसे मान लो ये रोम्बस है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में होता क्या है, चारों साइड इक्वल होती है, तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये तो सही है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, ये भी ध्यान रखना, नॉट अ रोम्बस, रोम्बस नहीं होगा, तो ये तो चारों साइड होती है इक्वल रोम्बस में, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच एक दूसरे को बिल्कुल, तो ये भी गलत है, मतलब रोम्बस के लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, इनमें से कौन सा रोम्बस नहीं है,
तो रोम्बस नहीं है तो आप रोम्बस की प्रॉपर्टीज मैच कर लो, ये प्रॉपर्टीज मैच करती है इसलिए ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज मैच करते हो। यहाँ पे नॉट आ रोम्बस के लिए पूछा हुआ है, दो दो कैंसिल कर दिया हमने। डायगनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, डायगनल जो है अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये भी रोम्बस में तो होता है लेकिन यहाँ पे नॉट आ रोम्बस के लिए पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि वन एंगल बिटवीन द डायगनल इज 60 डिग्री। जो डायगनल्स आपने बनाया, ये डायगनल्स बनाया तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों डायगनल के बीच का एंगल, एक एंगल 60 डिग्री होता है, ऐसा कंपल्सरी थोड़ी ना, कुछ भी हो सकता है एंगल, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है। ओके, रोम्बस में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वी गेट अ रोम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं आजकल। तो वी गेट अ रोम्बस, हमें रोम्बस समचतुर्भुज प्राप्त होता है कब, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ किस फिगर, इन चारों में से कौन से फिगर के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पे हमें एक रोम्बस प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़े से कुछ चीज़ें बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पैरेललोग्राम की बात है, तो अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं हम, ये पैरेललोग्राम मान लो एक हमने बना लिया, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये सारी थ्योरम सब मैं आपको प्रूव करके तो अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब 9th में आपने पढ़ा हुआ है, और 9th की थ्योरम से नहीं पढ़ा तो आप दोबारा पढ़ सकते हो 9th के क्वेश्चंस। तो अगर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक जो फिगर बनाओगे तो 100% पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। तो पैरेललोग्राम से तो क्या बना, पैरेललोग्राम। ओके, उसी तरीके से अगर रोम्बस की बात करें, रोम्बस भी ऐसा ही होता है लेकिन उसके चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, या इसको आप रोम्बस को आप ऐसे बना के भी देख सकते हो पतंग की तरह, चारों साइड इक्वल रखना बस। तो इसके मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, यहाँ से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ओके इसको ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनता है, जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तब बनता है एक रेक्टेंगल, ये हमेशा ये ध्यान कर लेना आप, ये थ्योरम्स हैं ही सारे, जिसका थ्योरम्स हमने पढ़े क्यों है या पढ़ते क्यों हम एकेडमिक लेवल पे, कि बाद में हम फ्यूचर में जब हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाए तो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सके। जैसे हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, लेकिन अगर एग्जाम में जब पूछा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप वहाँ पर प्रूफ थोड़ी ना करेंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका अप्लाई करेंगे उसका, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में ये अप्लाई हो सकता है तो उसी तरीके से ये थ्योरम्स जो हमने पढ़ी हुई इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाओगे तो पैरेललोग्राम बनता है, रोम्बस, ये दोनों रोम्बस ही हैं, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल बनता है, या अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस बनता है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल इस क्वेश्चन का। एक कंडीशन और, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड अलग अलग है, उसके अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे फिगर, तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्लियर है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करोगे उसके मिड पॉइंट्स को, क्वाड्रिलेटरल कोई भी चार साइड है, कैसे भी फिगर है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाओगे तो वो बनता है एक पैरेललोग्राम। तो ये तीन चार चीज़ें याद रखनी है, जिसको आगे हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट करके आंसर बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब कोई भी नया फिगर बनेगा, अभी आपको पता चले ना चले लेकिन जब इसे प्रूव करते हो, तो हमेशा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा और हमेशा एक पैरेललोग्राम मिलता है। हाँ, उसके बाद भी उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो 100% होगा। ओके, तो स्पेशल केसेस तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मस्ट है कि वो पैरेललोग्राम होगा। जैसे एक स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर सबसे पहले एक रेक्टेंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही अपने आप में, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ उसके चारों एंगल 90 डिग्री है, तो वो अपने आप में क्या है, कोई भी स्क्वायर एक रेक्टेंगल जरूर है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, उसी तरीके से हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्लियर है। तो कुछ फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, या आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा, बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान करते जाना और एग्जाम में उसे अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो ये बिल्कुल 8th क्वेश्चन की कॉपी है, 8th क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। क्या बोला गया है आपसे,
कि द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज, तो कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को, ये 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 और ये, इसको ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक रोम्बस आपको मिलेगा। ओके तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8th में सारा क्लियर कर दिया है। ओके ये सारी थ्योरम्स हैं जो प्रॉपर्टीज आपने 9th में पढ़ी हुई है, तो अब डायरेक्ट अप्लाई करना सीखो, ये ना कि पहले हम सारे क्वेश्चन को प्रूव करना सीखें एग्जाम में। ओके ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप सच में कुछ कर पाओगे, नहीं तो अगर वहाँ प्रूव करने लग गए तो प्रूव करते रह जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसके एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलता है, ध्यान से समझना, देखो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी किसी भी रोम्बस रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल मिलता है। ओके रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल मिलता है। अब ध्यान से आगे और सुनना, अगर फिर अभी रेक्टेंगल मिल गया, अब किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को फिर अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको रोम्बस मिलेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि रोम्बस से के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल मिलता है, या रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस मिलता है, फिर रोम्बस के मिड पॉइंट से फिर क्या मिलता है, रेक्टेंगल। तो आप कितनी बार भी ऐसे करते जाओ, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है कि रोम्बस से रेक्टेंगल, रोम्बस के मिड पॉइंट से, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th का सी। जिन लोगों ने सी बताया था वो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो और वीडियो को लाइक करते रहा करो, दूसरों को शेयर करते रहा करो, बस इतना ही काम है आपको करना और कुछ नहीं करना, आपसे कुछ और नहीं मांगा जा रहा, लाइक चाहिए शेयर चाहिए और आप कुछ सीख जाओ, इतना ही मुझे चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज, तो ये भी आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो पक्का पढ़ा होगा अगर रीजनिंग आपने पढ़ी है तो, कि कोई स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो भी एक स्क्वायर ही बनेगा, उसके मिड पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करोगे तो वो भी एक स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर, ये सब आपने पढ़ा होगा आपने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, एक स्क्वायर ही प्राप्त होता है। ओके ये सब आपने प्रूव करना भी सीखा होगा बिल्कुल 9th क्लास में, अगर आपने 8th चैप्टर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, टाइम है बिल्कुल, आप वहाँ की थ्योरम्स को जाके एक बार देखो है क्या, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यहाँ तो हम डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने याद कर रखा है। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम ही मिलता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो हमें फिगर प्राप्त होगा वो हमेशा और हमेशा पैरेललोग्राम तो ज़रूर होगा, उसके बाद कुछ स्पेशल केस हो तो वो अलग बात है, नहीं तो पैरेललोग्राम तो मस्ट है कि होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको करा दिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। ओके तो ये सब समझ में आ गया होगा आपको, पिछले 2-3 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। ओके और पढ़े वही जो सिलेबस में है, फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो पेपर्स हैं उनमें फालतू की चीज़ें भी दे रखी है जो एग्जाम में कभी आए नहीं है। ओके क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो कुछ भी बुक्स वालों ने पब्लिश कर रखा है, तो उन क्वेश्चनों को ना पढ़े, जो 10th लेवल तक का सिलेबस का कुछ भी क्वेश्चन है वो पढ़ो, 11th 12th का सिलेबस का एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि आप एग्जाम 10th लेवल का देने जा रहे हो ना कि 11th और 12th का। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ द लॉन्गेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मान लो एक एंगल को हमने क्या ले लिया, कोई भी एक एंगल, इसको स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, मान लो ये एक्स है, दूसरा एंगल क्या है इसका ट्वाइस का, उसका दुगना हो गया, इससे 24 डिग्री कम है, -24। ओके अब दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो एक्स प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू में कितना 180 डिग्री, ये 3x और ये माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा 204, इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री,
अगर x 68 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये इससे बड़ा हुआ, 68 तो हो नहीं सकता, 176 तो बहुत बड़ी बात है, ये होगा नहीं। 102, 180 में से एक 68 घटा लो तो दूसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा, वो कितना होगा 112 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल या लॉन्गेस्ट एंगल कितना होगा, 112, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, एक्स की वैल्यू आ गई, छोटा स्मॉलेस्ट एंगल पूछा जाता आपसे तो स्मॉलेस्ट एंगल 68 होता। क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में। और अभी तक भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो और हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री देन एंगल बी डी सी इक्वल्स टू क्या होगा। तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एंगल डी ए बी बीच में जो होता है उसे एंगल बोलते हैं हम यहाँ पे, अगर डी ए बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब बीच वाला जो पार्ट होगा उस एंगल की बात कर रहे हैं हम, 75। तो डी ए बी ये 75 है और डी बी सी, डी बी सी यानी आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ से एक डायगनल, डी बी सी ये कितना है 60 डिग्री। आपको बी डी सी निकालना है, बी डी सी ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75, ये तो क्लियर है, ये 75 है तो ये भी 75 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और उसके बाद एक ट्राइंगल बन गया, तो एक ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से माइनस करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 135, माइनस करोगे तो 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो आपसे पूछा गया था बी डी सी वो कितना होगा 45। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन करें, कुछ आसान क्वेश्चन भी थे और कुछ अच्छे, मतलब थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको याद जरूर होने चाहिए क्योंकि वो हमेशा आप एग्जाम में प्रूव नहीं कर सकते। ओके, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि हाँ इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ऐसा मिलता है। और ये सब आएगा कब, ये याद भी नहीं करना, दो चार बार फिगर बना के देखो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा सब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाकी वीडियोस देखिए आप, इन्जॉय कीजिए, बहुत सारे चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं, लगातार हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। और मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स करवा दूंगा आपको, मैथ्स के, इंग्लिश की वीडियोज़ भी आ रही हैं वो देखते रहिए, रियल नंबर रैशनलाइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, उसके बाद ये लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंगल्स एंड ट्राइंगल्स हमने कर लिया, क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं हम, उसके अलावा और भी जो कुछ वीडियोज़ हैं उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वीडियोज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो है, सिमिलर ट्राइंगल की वीडियो है, हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो है, सर्कल की पूरी एक लंबी सी एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, उसके बाद मेंसुरेशन की भी कुछ वीडियो है, प्रोबेबिलिटी की वीडियोज़ है, स्टैटिक्स की वीडियोज़ है, बाकी इनकी वीडियोज और भी आएंगी इन चैप्टर्स की। ओके, जो चैप्टर वाइज चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बाकी और जो चैप्टर वाइज जिसमें कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसके किस चैप्टर का हमने 40 क्वेश्चन कर रखे हैं, किसी के 35 भी कर रखे हैं, किसी के 40 से ज़्यादा भी कर रखे हैं, उनकी भी और वीडियोज आएगी बिल्कुल। तो आप बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद से बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए 9th और 10th क्लास की। और जिनके पास नहीं है वो दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं, और बाकी लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होगा जल्दी ही होगा, तो बेफिक्र रहिए।